चलिए तो देखने की कोशिश करते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर से कितने क्वेश्चंस आए हैं और कैसे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। सो कुछ क्वेश्चंस को मैं कवर अप करूंगा, बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर केस देखिए, दे आर आस्किंग अबाउट द ट्रिप्सिन दैट क्लिव्स अ प्रोटीन एट अ टर्मिनस। ट्रिप्सिन जो होता है कहाँ क्लीव करता है, ट्रिप्सिन क्लीव करता है आपके सी टर्मिनस। ये देखिए आर्जिनिन या लाइसिन के सी टर्मिनस यानी राइट साइड पे अगर प्रोलिन ना हो तो इट इज़ सी टर्मिनस ऑफ आर्जिनिन एंड लाइसिन रेसिड्यू, एन टर्मिनस होता ही नहीं है। इसके अलावा एक सिक्वेंस यहाँ पे पूछा जा रहा है, हाउ मेनी ऑफ द पेप्टाइड फ्रैगमेंट्स कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द कम्प्लीट डाइजेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड दिस मच विथ ट्रिप्सिन। मैं इस सिक्वेंस को आगे लिख के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा। आई हैव रिटन द सिक्वेंस हियर, ये मेरे पास सिक्वेंस रिटन है ए जी आर सी डी के क्यू ए एन आर एस एम एन एफ, ये सिक्वेंस आपने लिखा हुआ है। अब इस सिक्वेंस में देखिए ट्रिप्सिन जो होता है वो सी टर्मिनल यानी राइट साइड पे कट करता है आर के यानी आर्जिनिन और लाइसिन के, इट इज़ एंडोपेप्टिडेज। तो सबसे पहले सर्च करते हैं, ये देखिए पहला आर मिला, आर के राइट साइड पे यहाँ पे कट करेगा, तो जब ये कट करेगा तो आपको ये फ्रैगमेंट मिलेगा, ये अलग पहला फ्रैगमेंट। इसके आगे बढ़िए देखिए के मिल रहा है यहाँ पे, यहाँ से भी कट करेगा तो ये वाला फ्रैगमेंट अलग सी डी के सेकेंड। इसके आगे बढ़िए आर मिला, आर के बाद प्यूरोलिन नहीं है एस है तो यहाँ से भी कट करेगा और ये फ्रैगमेंट मिला तीसरा और बाकी बचा हुआ फ्रैगमेंट मिल जाएगा फोर्थ। तो तीन ऐसे बॉन्ड है जो कि कट कर रहा है यहाँ यहाँ और यहाँ, तीन बॉन्ड को कट करेगा तो आपको चार फ्रैगमेंट मिलने वाले हैं और चार फ्रैगमेंट आपको अचीव होगा। तो राइट आंसर इज़ फोर बिकॉज दे आर आस्किंग अबाउट फ्रैगमेंट्स नॉट द बॉन्ड। बॉन्ड पूछता तो यहाँ पे आपको तीन मिलता, तो यहाँ पे जो फ्रैगमेंट मिलेगा, फ्रैगमेंट जो मिलेगा वो आपको फोर मिलेगा और जो बॉन्ड कट होगा वो आपको थ्री होगा। तो ये चीज़ क्लियर रख रही है, जो बॉन्ड कट हो रहा है वो थ्री है और फ्रैगमेंट आपको चार मिल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। सो द एग ऑफ एग वाइट प्रोटीन दैट इज ओवल बुमिन जो होते हैं और कहते हैं कि पाया जाता है इज़ डी नेचर्ड इन हार्ड बॉइल्ड एग। अगर हार्ड बॉइल कर दिया तो उसमें ओल्बुमिन जो होते हैं डी नेचर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लीस्ट अफेक्टेड, इनमें से कौन सा जो है सबसे लीस्ट अफेक्टेड होगा, दैट इज लाइक क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ ओवलबुमिन, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर। इसमें से जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर लीस्ट अफेक्टेड होने वाला है प्राइमरी स्ट्रक्चर होने वाला है। प्राइमरी स्ट्रक्चर इसलिए क्योंकि प्रोटीन सिर्फ डी नेचर हो रहा है। बिकॉज डी नेचर का मतलब क्या होता है समझिए कि डी नेचर में प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात ही नहीं होती, ठीक है ना। तो ध्यान देने की कोशिश करिएगा, व्हेन यू टॉक अबाउट द डी नेचुरेशन, तो डी नेचुरेशन का मतलब होता है कि क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर या टर्शियरी स्ट्रक्चर या सेकेंडरी स्ट्रक्चर टूट के प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाना, कोई भी केस है वो एन और सी में। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर पे तो डी नेचुरेशन का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता। जब कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा तो प्राइमरी स्ट्रक्चर अफेक्ट ही नहीं होने वाला है, क्योंकि उसी अल्टीमेटली फॉर्म में वहीं पे जाएगा। तो आंसर जो है इसका टू हो जाएगा, क्योंकि डी नेचुरेशन क्वार्टरनरी, टर्शियरी इन सब को प्राइमरी में कन्वर्ट करता है, प्राइमरी को किसी में कन्वर्ट नहीं करता। तो डी नेचुरेशन का ये मतलब है एंड प्राइमरी स्ट्रक्चर विल बी द लीस्ट अफेक्टेड हो जाएगा। नाउ द अमीनो एसिड रेजिड्यू विद द लीस्ट प्रेफरेंस फॉर एनी कोऑर्डिनेट इन रामाचंद्रन मैप, इसमें से जो लीस्ट प्रेफरेंस की बात करते हैं वैलिन, ग्लाइसिन, सेरीन एंड एलेलिन, ठीक है ना। तो दिस इज़ लाइक कि ये पूछा जा रहा है कि अमीनो एसिड रेजिड्यू विद द लीस्ट प्रेफरेंस फॉर एनी कोऑर्डिनेट इन रामाचंद्रन मैप, वैलिन, ग्लाइसिन, सेरीन एंड एलेलिन। इसमें देखेंगे तो बाकी जो हैं वो हाइड्रोफोबिक है और हाइड्रोफोबिक जो होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा पाए जाते हैं रेदर देन हाइड्रोफोफिलिक। तो सेरीन इज़ वन ऑफ द रीज़न जो कि इन चारों में से सबसे कम जगह पे पाए जाने की टेंडेंसी रखेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज मोस्ट लाइकली टू डिसरप्ट अल्फा हेलिक्स, प्रोलीन और ग्लाइसिन दो ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो कि अल्फा हेलिक्स को ब्रेक करते हैं। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में इस जो प्रोलीन है वो डील कर लिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का वो आपके क्या करते हैं कि दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय द कोवेलेंट आयनिक एंड द एंगल फॉर्म बिटवीन एबीडी प्लेन एंड एसीडी प्लेन। ये जो है आपके कहते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड से होता है विच इज़ नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड,
ठीक है ना, एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस का आंसर जो है वो आपको पेप्टाइड बॉन्ड मिलने वाला है, ठीक है। नाउ इसके बाद है, विच इंट्रैक्शंस आर जनरली ऑब्जर्व एट द कोर ऑफ स्टेबल प्रोटीन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। अगर कोर है तो ध्यान देने की कोशिश करिएगा कि कोर और सरफेस पे दो तरीके के इंट्रैक्शंस होते हैं। कोर में जनरली अगर हम बात करते हैं सरफेस पे, तो सरफेस पे कुछ ऐसे इंट्रैक्शंस पाए जाते हैं जैसे आयनिक इंट्रैक्शन, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड और जैसे आपके डाइसल्फाइड डाइसल्फाइड। लेकिन कोर पे, ये जो कोर होता है इसमें ज़्यादातर जो इंट्रैक्शन होता है दैट इज़ हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक होता है। तो कोर में जो प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन होगा दैट वुड बी द हाइड्रोफोबिक। आंसर जो हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा, दैट इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक जो है आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। इसके अलावा ये केस है, ध्यान देने की कोशिश करिएगा। इफ द 4 एटम्स ए बी सी डी आर कनेक्टेड लीनियरली एंड द रोटेशन इज पॉसिबल अलोंग द बी सी डी डाइहेड्रल एंगल ऑन दिस बॉन्ड डिस्क्राइब्ड एज, ठीक है ना। तो द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी, एंगल फॉर्म बिटवीन ए बी डी एंड एंगल प्लेन, ये जो है प्लेन जिसके ऊपर बात करते हैं। तो ध्यान रखिए बहुत सीधी सी केस है, इस चीज़ को स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेंगे अपने आप आ जाएगा। क्या है ए बी सी एंड डी, इसके बीच में रोटेशन जो है पॉसिबल बनाने की कोशिश करें। तो ये जो केस है कि रोटेशन अगर इसके हिसाब से है तो बी और सी मान लीजिए, तो बी और सी ए के साथ क्या प्लेन बना रहे हैं, इसका प्लेन क्या है। और इसके बाद अगर हम देखा जाए तो दूसरा बी सी डी का किस तरीके से काम चल रहा है। तो ये जो कंडीशन है कि आइदर प्लेन ऑफ ए बी सी एंड द बी सी डी जो है ये आपको स्ट्रक्चर के अलग अलग वेरिएशंस पे लेके जाएंगे। तो एग्जैक्टली यहाँ पे एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी, ए बी का एंगल और बी सी डी का एंगल, ये जो है ये रोट इसका लेना ही नहीं है। द एंगल फॉर्म बिटवीन ए बी डी एंड ए सी डी, ए बी डी और ए सी डी के ऊपर बात कर रहा है, मतलब ए बी डी डी यहाँ पे भाई ये भी गड़बड़ है, ठीक है। एंगल फॉर्म बिटवीन प्लेन ए बी सी एंड बी सी डी, यस ए बी सी का जो एंगल बन रहा है ये एंगल, ठीक है ना, और बी सी डी का जो एंगल बन रहा है ये एंगल, मतलब इस फाई और साई जो भी बन सकता है एंगल उसके हिसाब से जो है ये चलेगा। तो आंसर शुड बी द थर्ड वन, जो आंसर जो है इसका आ जाएगा थर्ड वन आ जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन जो है आपको अपीयर होने वाली है। थोड़ा थोड़ा आप लोग बेसिक्स पे काम करेंगे तो सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद है कंपैरिजन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन शोज दैट दे हैव, ऑब्वियस ही बात है उनके पास जो है दे हैव प्राइमरी स्ट्रक्चर, दे हैव डिफरेंट प्राइमरी स्ट्रक्चर बट सिमिलर टर्सरी स्ट्रक्चर। इनके पास प्राइमरी और टर्सरी स्ट्रक्चर दोनों अलग पाया जाता है, सिमिलर नहीं होते, दोनों अलग होते हैं। तो मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन के पास जो होते हैं उनका प्राइमरी स्ट्रक्चर और टर्सरी स्ट्रक्चर दोनों अलग होता है, सो दिस सी स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है ना। सो बिकॉज अगर हम इस पर देखेंगे सो आंसर सी करेक्ट है, जैसा कि मैंने बोला, बिकॉज मायोग्लोबिन को अगर देखोगे तो इस पर ग्लोबिन एक ही चेन का बना होता है जो कि 153 अमीनो एसिड का होता है, वन ग्लोबिन प्रोटीन इज देयर। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन को देखोगे तो ये टेट्रामेरिक फॉर्म के तरीके से होता है, अल्फा अल्फा बीटा बीटा ये फॉर्म पाए जाते हैं जो कि टेट्रामेरिक है। ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के तरीके से काम करता है और ये जो है आपका टर्सरी स्ट्रक्चर होता है। तो दोनों का ग्लोबिन अलग है भाई, पूरा का पूरा सिक्वेंस अलग है। 153 का बना होता है जबकि अल्फा चेन इसका 141 का बना होता है और बीटा चेन जो है 145 का बना होता है, ये चीज़ आपके पास पा जाते हैं। तो दिस इज़ द केस जो कि अपीयर हो रहा है एंड बोथ आर डिफरेंट। तो प्राइमरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर बोथ आर डिफरेंट, दोनों जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे दैट अ प्रोटीन, ठीक है, अ प्रोटीन विथ 1000 अमीनो एसिड, एक प्रोटीन जो है 1000 अमीनो एसिड वॉज टैग्ड विथ जीएफपी, जीएफपी के साथ टैग किया जा रहा है। तो द मॉलिकुलर वेट ऑफ जीएफपी इज 26 किलो डाल्टन, व्हाट विल बी द मॉलिकुलर वेट। तो एक प्रोटीन जो है इस केस में देखिएगा, सो सॉल्यूशन जो होगा आसानी से देखेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। प्रोटीन जो है, प्रोटीन के पास अमीनो एसिड है 1000
और आपको एक अमीनो एसिड रेजिड्यू का मॉलिकुलर वेट पता है? एक अमीनो एसिड रेजिड्यू का मॉलिकुलर वेट होता है 110 डाल्टन, एवरेज, ठीक है, एवरेज होता है। सो 1000 अमीनो एसिड रेजिड्यू का मॉलिकुलर वेट कितना हो जाएगा? दैट इज 1000 × 110, या इसको हम बोल सकते हैं 110 किलो डाल्टन। वही तो है, देखो ये 110 डाल्टन था, हमने इसको किलो में कन्वर्ट कर दिया, तो 110 किलो डाल्टन जो है इसका आ जाएगा, इस पर्टिकुलर केस का किलो डाल्टन। अब हमारे पास एक प्रोटीन जो था उससे हमारा GFP टैग था, तो ये तो है हमारे पास प्रोटीन, दैट मॉलिकुलर वेट इज़ 110 किलो डाल्टन, एंड वी हैव द GFP, दैट GFP हैज़ द 26 किलो डाल्टन, ठीक है ना, 26 किलो डाल्टन। अब दोनों प्रोटीन आपस में लिंक है, तो आपको दोनों को सम कर दीजिए, तो दिस विल बी दैट 136 किलो डाल्टन विल बी द राइट आंसर। तो आंसर जो है 136, दैट इज थर्ड ऑप्शन जो है आपको मिल जाने वाला है, ठीक है जनाब। इस तरीके से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, सो ये रहा अमीन प्रोटीन के बारे में, कई सारी चीज़ें हमने देखी और कई सारे और क्वेश्चंस आप सॉल्व करे रहिएगा। मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट को कवर अप किया है और आगे भी लेके आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। आई एम वीरेंद्र सिंह, आई टीच CSIR ऑन अनअकैडमी। अगर आपका गोल जो है वो CSIR UGC नेट है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CSIR UGC नेट, देन अनअकैडमी विल हेल्प यू। जी हाँ, तो आपके लिए, आपके गोल को, आपके सपने तक करीब पहुंचाने के लिए अनअकैडमी विल हेल्प यू। इफ यू वांट टू क्रैक CSIR UGC नेट, देन यस, वी आर द इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, दैट इज अनअकैडमी। गेट द प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस एंड एक्सेस द अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम द इंडियाज टॉप एजुकेटर्स। सो अगर आपका टारगेट जो है CSIR 2023 है, तो जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो मेरे पास, अगर आप मुझे जानते हैं तो दैट्स वेल एंड गुड, नहीं जानते हैं तो ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, दैट इज माय नेम इज वीरेंद्र सिंह एंड यही मेरी प्रोफाइल है। आई टीच CSIR नेट लाइफ साइंस ऑन एन अकेडमी। अपार्ट फ्रॉम दिस, आई हैव क्वालिफाइड CSIR, DBT एंड GATE विद दीज AIRs, ACIR से। आई एम द लीजेंड एजुकेटर इन दिस कैटेगरी, नो डाउट दैट ये लीजेंड वगैरह एज इट इज तो बहुत कुछ नहीं है, बट येस, इन्होंने जो कैटेगरीज अन अकेडमी का जो प्रोफाइल कैटेगरी यूज होता है उसमें ये आता है। माय PhD इज फ्रॉम IIT BHU, मेरी PhD जो है IIT BHU से चल रही है, एंड आई वाज द गोल्ड मेडलिस्ट इन द BTech एज वेल एज इन द MTech। आई वाज नोन फॉर द इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशंस, सो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आई वाज नोन फॉर ट्रिक मास्टर एज वेल, कई सारे लोगों को मैं गाइड कर चुका हूँ, मैं 1000+ क्वालिफाइड लर्नर्स को मैं ऑलरेडी अन अकेडमी पे गाइड कर चुका हूँ। तो जी हाँ, आप इसके लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं और क्रैक कर सकते हैं CSIR को। तो व्हाट अन अकेडमी ऑफर्स, अन अकेडमी आपके लिए ऑफर क्या करता है? अन अकेडमी ऑफर करता है लाइट सब्सक्रिप्शन, प्लस सब्सक्रिप्शन एंड द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। लाइट सब्सक्रिप्शन में आपको क्या मिलता है? लाइट सब्सक्रिप्शन में मिलता है टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेशंस। लाइट में ये दोनों चीजें मिलती है, प्लस में क्या मिलता है? लाइव क्लासेस मिलते हैं, टेस्ट सीरीज मिलते हैं, प्रैक्टिस सेशंस मिलते हैं एंड स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलता है। ये चीजें मिलती है आपको प्लस प्लेटफॉर्म पे। आइकॉनिक में क्या चीजें मिलती है? आइकॉनिक में आपको प्लस में एक और चीज है, जो आपको सॉफ्ट कॉपी नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है। आइकॉनिक की अगर बात करें तो इसमें लाइव क्लासेस है, लाइव क्लासेस के साथ साथ टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस सेशंस है, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल्ड है, हार्ड कॉपी नोट्स है, सॉफ्ट कॉपी के बजाय कैसा नोट्स है, हार्ड कॉपी नोट्स है, एंड पर्सनल कोच आपको यहाँ पे मिलेगा, स्टडी प्लानर्स एंड रिव्यू सिस्टम आपको यहाँ पे है, बूस्टर सेशंस मिलते हैं एंड पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशंस भी आपको मिलते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, और प्लस में आप इस साइड से चीजें देख सकते हैं। तो अनअकैडमी जो है इन तीन तरीके के सब्सक्रिप्शन ऑफर कर सकता है। साथ ही में अनअकैडमी ने नोट्स का सेक्शन भी ऑफर किया था, जिसमें लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, केमिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस की कैटेगरी फॉलो करती है। इन द कोर्स दिस पर्टिकुलर कंटेंट इज क्यूरेटेड बाय द क्यूरेटेड एंड रिव्यूड बाय द टॉप एजुकेटर्स फ्रॉम अनअकैडमी। एक्सेस कर सकते हैं आप नोट्स को कहीं पे, किसी भी टाइम पे, एंड हार्ड कॉपी नोट्स अवेलेबल है आइकॉनिक लर्नर्स के लिए। जो आइकॉनिक लर्नर्स है उनके लिए हार्ड कॉपी नोट्स अवेलेबल है, और जो आपके कह सकते हैं प्लस लर्नर्स है उनके लिए इन ऐप नोट्स जो है वो अवेलेबल है, ठीक है।
तो ये चीजें आपको मिलती हैं नोट सेक्शन में। अनअकैडमी के लिए अगर आप सीएसआईआर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक ऑप्शन है, दैट इज आइकॉनिक वन, और दूसरा ऑप्शन है प्लस वन। ये दोनों ऑप्शंस जो है आप ले सकते हैं। सब्सक्राइब नाउ, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे कॉल करके भी आप अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स बिगिन योर लर्निंग एंड लेट्स क्रैक इट एज वेल। अनअकैडमी पे जब हम बात करते हैं तो मेरे कई सारे प्लस कोर्सेज जो है वो अनअकैडमी पे है, जिनके बारे में आप सीख सकते हैं। कौन कौन से कोर्सेज अनअकैडमी पे मेरे चल रहे हैं प्लस कोर्सेज पे? पहला है कंप्लीट कोर्स ऑन बायोकेमिस्ट्री, 5th ऑफ जनवरी से स्टार्ट है। इसके बाद प्रैक्टिस कोर्स 9th ऑफ जनवरी से स्टार्ट है, एज यू कैन सी हियर, ठीक है ना। इसके अलावा जो है कंप्लीट कोर्स ऑन सेल बायोलॉजी, जो कि 13th ऑफ फरवरी से स्टार्ट है। कंप्लीट कोर्स ऑन फंडामेंटल प्रोसेसेस, जो कि आपके 1st ऑफ मार्च से स्टार्ट है, किसी ये वाला कोर्स, ठीक है। इसके अलावा जो है कंप्लीट कोर्स ऑन इनहेरिटेंस बायोलॉजी जो है ये 20th मार्च से है, एंड मेथड्स इन बायोलॉजी जो है 12th ऑफ अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो ये प्लस कोर्सेज जो आप देख रहे हैं लगभग लगभग ऑलरेडी मेरी प्रोफाइल पे विजिबल होंगे, आप जाके वहां से इन कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। कोड कौन सा यूज करना है? कोड यूज करना है विरन लाइव। ये कोड जो है आपको कितना जो भी डिस्काउंट ऑफर हो रहा है 10% या मोर देन दैट वो आपको ऑफर होगा यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो आपके लिए अनअकैडमी पे बैच कोर्सेज भी ऑफर किए जाते हैं। वो कौन से बैच कोर्सेज है जो आपको अनअकैडमी पे मिलते हैं? एक जेनेसिस 2.0 बैच जो है वो शुरू हो रहा है, डिटेल बैच 5th ऑफ जनवरी से। इसके बाद बायोक्रैकर्स 2.0 24th ऑफ नवंबर से ये चल रहा है। इसके अलावा जो है रिवीजन बैच 9th ऑफ दिसंबर से ये चल रहा है बैच, और 26th दिसंबर से क्विक रिवीजन बैच जो है वो चल रहा है। तो ये सारे बैचेस जो है वो आपको चल रहा है। इसके अलावा और भी बैचेस अपकमिंग टाइम में जो है वो लॉन्च किए जाएंगे, तो बैच कोर्सेज के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। याद रहे जो रेफरल कोड आपको यूज करना है वो रेफरल कोड जो है वो विरन लाइफ। इस रेफरल कोड से जो है आप डिस्काउंट जो है वो पा सकते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम प्लस कोर्सेज, अपार्ट फ्रॉम बैच कोर्सेज, स्पेशल फ्री क्लासेस भी होते हैं। अगर जिनके पास पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है उनके लिए फ्री क्लासेस भी ऑफर किए जाते हैं। फ्री क्लासेस में कुछ एग्जांपल्स के तौर पे यहाँ पे माइक्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोपी, मार्कर्स, इम्यूनोलॉजी, लॉट्स ऑफ टॉपिक्स। सिर्फ इतने ही नहीं और भी बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे। फॉर मेनी मोर क्लासेस यू कैन विजिट माय प्रोफाइल फॉर मोर एंड मोर फ्री क्लासेस, आप विजिट कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप मेरे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए या क्लास नोट्स के लिए आप इस पर्टिकुलर लिंक के साथ जा सकते हैं, या आप जो है टेलीग्राम चैनल के नाम से भी जुड़ सकते हैं, दैट अनअकैडमी अंडरस्कोर वीरेंद्र अंडरस्कोर से। ये अगर आप मेरी प्रोफाइल देखेंगे तो कुछ इस तरीके से विजिबल होती है टेलीग्राम पे, ठीक है ना। यू कैन सी दिस काइंड ऑफ प्रोफाइल जो है वो आपको विजिबल होने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एज वेल। एंड डाउनलोड और चीजों करने के लिए भी आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, तो सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।